एक बार फिर ड्रीम गर्ल की पूजा हम सबको अपना दीवाना बनाने आ चुकी है। जहाँ पिछले पार्ट में आयुष्मान ने अपनी आवाज से पूजा का रोल प्ले किया था, वहीं इस पार्ट में पूजा का रोल रियल स्टोरी में प्ले करने वाले हैं। बॉलीवुड की दुनिया में शायद जितने भी कॉमेडी एक्टर हैं, वो इस फिल्म में भरे पड़े हैं, जैसे राजपाल यादव, मनोज जोशी, अनु कपूर, असरानी और भी कई बड़े कॉमेडियन। इससे ये तो क्लियर है भाई कि इस मूवी कॉमेडी आपका पेट दर्द करवाने के लिए काफी होगी। वहीं फिल्म में एक से बढ़कर एक डायलॉग मिलने वाले हैं। कहानी में आयुष्मान बेरोजगार हैं, पापा ने दुनिया भर का लोन ले रखा है, इसकी वजह से आयुष्मान पूजा बनकर लोगों को संभालता रहता है। फिल्म में आयुष्मान की जीएफ होती है, जिनके पापा ने शादी के लिए तगड़ी शर्त रखी है भाई। वो पहले 25 लाख रुपए कमा करके लेके आए और फिर बारात लेकर के आए। इन सबके लिए आयुष्मान पूजा के अवतार में आते हैं और क्लब में नाचने लगते हैं। इसी बीच एक लड़के को पूजा से प्यार हो जाता है और वो शादी करने के बदले 50 लाख देने की बात करता है। कर्ज में डूबा हुआ करण यानी आयुष्मान ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नकली पूजा का शादी के बाद क्या हाल होता है और आयुष्मान कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, वो सीन वाकई कॉमेडी की बाढ़ ला देगा।